नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार में आबकारी विभाग के द्वारा आज धार स्थित डिस्लरी में 3 करोड़ से अधिक के अवैध शराब को नष्ट किया गया। बताया जाता है कि विभाग के द्वारा धार जिले में विगत 2 वर्षों से अलग अलग थानों में आबकारी विभाग के द्वारा जब्त अवैध शराब, जिसमें देशी अंग्रेजी शराब को न्यायालय के निर्देश के अनुसार रोलर व जेसीबी के माध्यम से नष्टीकरण किया गया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि विगत कुछ वर्षों से लंबित 1183 आबकारी के व 3 पुलिस विभाग के प्रकरण पंजीबद्ध थे, जिसका न्यायालय में मामला लंबित था। आज न्यायालय ने नष्टीकरण के आदेश आबकारी विभाग को दिए, जिसके तहत आबकारी विभाग ने 3,81,00,000 के अवैध शराब को नष्ट किया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। आज आबकारी विभाग द्वारा ज़िले के विभिन्न सर्किलों में पिछले विगत वर्षों में जो अवैध शराब के प्रकरण बनाए गए थे और न्यायालय द्वारा जिनको नियोजित किया गया था, और उसके न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में करीब 1183 एक्साइज के और 3 प्रकरण पुलिस के हैं, जिसमें इनकी नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें करीब इनकी बाजार मूल्य शराब का 3,81,00,000 है और इसकी मात्रा है लगभग 84,605 लीटर। इसमें देशी मदिरा, कच्ची शराब, स्प्रिट और बियर शामिल है।